व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आप देख रहे हो करण पोल्ट्री, मैं आपका भाई करण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मेरे सभी YouTube फैमिली को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। होप सभी का परिवार आज दुरुस्त हो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो चिक्स के बारे में। तो आज हमारे चिक्स का डे है डे 4, चौथा दिन मेरे फार्म का। तो जो मैंने अभी इसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, आपको पता ही है कि वही बायोट्रिम और साथ में मल्टी विटामिन, वो मैं पहले 4-5 दिन दूंगा कंटिन्यू। साथ में मैं देता हूँ पानी साफ वाली दवा स्क्रीना देता हूँ एक टाइम, साथ में देते हैं सेफ गार्ड। बाकी जैसे पता ही है आपको कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो आप अपने मैनेजमेंट का ध्यान रखना। थोड़ा रात को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है। बाकी टाइम टू टाइम अपने बच्चे को स्पेस देते जाना, बस मैनेजमेंट का ध्यान रखना और टेम्परेचर का। रात को ना अपना टेम्परेचर का ध्यान रखना, क्योंकि रात को थोड़ी ठंडी हो जाती है। पानी वगैरह बच्चे को साफ देता देना अपना। बाकी अभी सिर्फ मैंने ना पहले 2-3 दिन भट्टी जली थी, जिस दिन चूचा आया था उस दिन और 2 दिन और। तो कल से भट्टी फार्म में मेरे बंद है, टेम्परेचर अंदर काफ़ी हो गया है मेरे शेड का ही। मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है ना अभी, तो वो अभी ठंडी कम मार रहा है। बाकी आप देख सकते हो मैनेजमेंट प्रॉपर है हमारी, कोई कमी हुई तो मुझे बता देना मेरे भाई, फिर मैं वैसे वीडियो डाल दूंगा आपके हिसाब से। बाकी मेरे भाई का मैसेज आया था कि आपकी मोर्टेलिटी कितनी होती है अर्ली चिक्स की। तो ब्रदर, जिस दिन चिक्स आता है ना, तो मेरे पहले 4-5 दिन ये इसकी बर्ड की मोर्टेलिटी होती है, 50 भी होती है, 100 भी हो जाती है कभी कभार, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। मतलब टोटल मेरे बैच में मोर्टेलिटी होती है कई बार 3%, कई बार 4%, लास्ट बैच में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी 7-8%। वो आपको पता ही है कि IVH की प्रॉब्लम आ गई थी मेरे फार्म में, वैसे मोर्टेलिटी नहीं मेरे फार्म में इतनी होती। बाकी यार मोर्टेलिटी जो है अपनी मैनेजमेंट पे डिपेंड है टोटली, जैसे हमारी मैनेजमेंट है मोर्टेलिटी भी हमारी उस हिसाब से होगी। बाकी हम लोगों ने चूचा खोल दिया है अपना 5-6 पिलर में। बाकी चलो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।